लॉकडाउन 4 के स्टार्टिंग हो चुके हैं, सरकार द्वारा उठाए गए कदम आपकी नज़र में कैसा है? माननीय मोदी जी के द्वारा जो जितने भी कदम हैं वो सारे सराहनीय हैं। राज्य सरकार का जो कदम है वो अभी आज के डेट में जितना भी अभी तक देखा जाए, जितने भी वादे किए हैं वो कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका है। अभी आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि जितने भी शहर में राशन कार्ड में पैसा आने वाले थे, अभी तक किसी भी वार्ड में सारे लोगों को 40% भी पैसा 1-1 करोड़ रुपये अकाउंट में नहीं आया। जो राशन कार्ड के द्वारा मिलने वाला था वो अभी तक नहीं आया। जनधन योजना का जो खाता था उसमें पैसा आ चुका है। सरकार आपको देखिए, सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी आरा शहर में डीलर हैं, सारे डीलरों पे विशेष कार्रवाई की जाए और जितने भी गरीब जनता है उनका कार्ड एक बार समुचित तौर पर इनको बनाया जाए। हमारे वार्ड में 350 फॉर्म अप्लाई किए गए थे जिसमें से मात्र 70 कार्ड आया है। उसमें से कार्ड के लिए हम लोग यहाँ पे SDO के पास भी मिलने गए और SDO साहब से मैंने आवेदन भी दिया है, कंट्रोल के लिए जांच भी दिया है। जितने भी फर्जी अकाउंट हैं डीलर लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड हैं जो मोहल्ले के किसी नाम से ही नहीं है। कार्ड का नाम सब अलग अलग तरीके से है, जिसका नाम सुनने में आ रहा है कि कई वार्डों में कि राशन जो देते हैं वो सही ढंग से नहीं दे पा रहे। आपके वार्ड में कैसे है? मेरे वार्ड में भी यही हाल है, सेम टू सेम। किसी का अगर 7 किलो अनाज है तो उनको 5 किलो मिलता है, पर हेड 5 किलो अनाज मिलना चाहिए। तो जिसका 6 कार्ड है, एक कार्ड पे 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति में कार्ड पे 5 ही व्यक्ति का दिया जाए 25 किलो दिया जाता है। जब भी आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज आई थी, आप यहाँ पे बैठे थे तो आप खुद देख सकते थे कि उनका क्या क्या नाम था। ना उनके अकाउंट में 1000 रुपया आया है और ना ही राशन पूरा भर पाए तरीके से दे पाए। इसको लेकर आपने किसी बड़े पदाधिकारी से बात की? हाँ, हमने DM के पास आवेदन दिया है, कंट्रोल पे हम लोगों ने केस भी किया है कि अपने स्तर से आप जाँच कर लीजिए। सर का क्या प्रतिक्रिया थी इसके? अभी तक कुछ किए नहीं है। अभी तक रिपोर्ट जो सौंपना था हमको, अभी तक वो रिपोर्ट सौंप नहीं पाए हैं और जाली कार्ड पे अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर पाया है जो करना चाहिए। ये महामारी में लेकर आपने अपने वार्ड में क्या किया अभी तक? अपने वार्ड में हम लोग अपने फंड से, मेरी माता जी वार्ड पार्षद जो पार्वती देवी हैं, वो अपने फंड से पूरे मोहल्ले में गरीब को आटा दाल चावल अनाज ये सारा मुहैया अपने घर से कराएंगे। हर एक घर पूछ के हम लोगों ने राशन कार्ड दिया है। जितने भी गरीब लोगों को चाहिए राशन, आके अभी भी घर से ले जाता है लोग। और लगातार अभी तक 15 से 20 दिन लगातार जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं गरीब, अपने बिहारी भाई, उन लोगों को हम लोगों ने पर डे लिट्टी बना के और सब्जी बना के उन लोगों को पानी देकर जितने भी उन लोगों को राहत पहुँचाया है। वार्ड में अपने सैनिटाइज? हाँ, पूरे वार्ड में हम लोग सैनिटाइज किए। निगम का भी हाल अच्छा है, निगम को हम लोग का पूरा सपोर्ट किया है। हर एक गली में फेनाइल ब्लीचिंग सैनिटाइज का सारा व्यवस्था, लिक्विड सारा चीज़ें वो दे चुके हैं। विकास कार्य कैसा चल रहा है निगम का? निगम का विकास कार्य सराहनीय है, हमारे वार्ड की अपेक्षा सराहनीय है, अदर वार्ड की तो नहीं मैं बता सकता। तमाम टूरिस्टों पर आपकी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये महामारी को लेकर आप क्या सुझाव देंगे? महामारी को लेकर बस यही सुझाव रहेगा कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, डिस्टेंस मेंटेन करते रहें और आप जहाँ तक ये उम्मीद कीजिए कि एक दूसरे का हेल्प करते रहें, जितना हो सके एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। गरीब जनता सरकार पर निर्भर है, सरकार कोई काम करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है, सरकार यहाँ का बेकार है। नीतीश सरकार, इस बार उनकी सरकार चाहेगी।